Welcome to speedlearning.in. On 29th May, we are going to discuss about gold's trade today. Why gold today? आज गोल्ड को क्यों हमने चुना? तो ओडिन में हम लोग देखते हैं, बहुत दिनों से बुलियन रेंज बाउंड है, गिर रही थी, नीचे जा रही थी. जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है, रुपया मजबूत हुआ है और डॉलर कमज़ोर हुआ था, तो कंपेरेटिवली बुलियन के लिए अच्छा नहीं होता. तो बुलियन हर रोज़ ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और वहाँ से गिरावट हो जाती है. लेकिन जितनी गिरावट शार्प होती है, उतना ही बाउंस फिर बाद में देखने को मिलता है. इतने दिनों से एटीपी के ऊपर गोल्ड का आना बड़ा मुश्किल हो रहा था. हम लोग हमेशा हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के बैठते थे, लेकिन वो बाइंग होती ही नहीं थी. आज सुबह से अगर हम लोग देखते हैं, 10 बजे से जो चार्ट बन रहा है, गोल्ड और सिल्वर माइनस में थे. गोल्ड ने यहाँ पे एक लो बनाया और लो बनाने के बाद गोल्ड का एटीपी था 28,860 का, उस एटीपी को क्रॉस किया और बहुत तेज़ी से यहाँ ऊपर 27,000 का हाई बनाया. उसके बाद सेलिंग आती है और ये 2,600 का जो सपोर्ट है, इसको तोड़ा नहीं गया. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा टाइमिंग है जहाँ पे एकदम से हाई बने हैं. एक टाइमिंग है आपका 4 PM, दूसरा टाइमिंग है 8 PM, तीसरा टाइमिंग है 9:30 PM. 9:30 पे ये रिसेंट हाई बना था, इसलिए हम आपसे कहते हैं हमेशा कि 9:30 पे आप अपने मैक्सिमम ट्रेड्स को क्लोज कर लिया करें. तो यहाँ ये चांसेस बनते हैं कि आप अगर 2:30 बजे के आसपास अपनी पोजीशन बनाते हैं, जैसे टाइम स्लॉट हम आपको बताते हैं कॉल्स में कई बार, 154 पे बाय करें 30 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ, तो ये जो आपकी बाइंग हुई है, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा 200 पॉइंट का मूवमेंट मिला है. फिर 354 के आसपास भी जो बाइंग हुई थी, उसमें भी बहुत अच्छा मूवमेंट आया. और फाइनली यहाँ पे 754 की बाइंग से और 854 की बाइंग से आपको बार बार फ्रिक्वेंट प्रॉफिट बुक करने को मिल रहे हैं. तो छोटा स्टॉप लॉस प्लान करके जब आप कोशिश करते हैं, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं 4 बार, तो गोल्ड मिनी में टोटल रिस्क आपका बनता है 300 रुपये का स्टॉप लॉस होने की वजह से 1200 रुपये टोटल, 1200 रुपीज़. और उसमें से हो सकता है एक आध बार या दो बार आपका स्टॉप लॉस चला जाए, लेकिन बाकी 2 बार में आपको सीधा 150 पॉइंट के एवरेज से 300-350 पॉइंट मिल रहे हैं. यही काम का तरीका लगू आप कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को देख के उस पर फोकस करना, ये ज़रूरी होता है किसी भी दिन में. तो सुबह बेस मेटल में हमने निकल के मूवमेंट पे फोकस किया और बुलियन में गोल्ड को फोकस किया. इस तरीके से आप चीज़ों को समझते चलें, काम करते चलें. इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन मेल मी ऑल योर डिटेल क्वेरीज, फ़ोन पे बात कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच, बाय.